राहुल एहतमाम किया गया है और चंडक, बनवट, पुंछ और कामसर से बच्चियां यहां पर तशरीफ फरमा है और उसी के साथ बड़ी तादाद में बच्चियां आज यहां पर मौजूद नुक्कड़ नाटक, सिंपोजियम, रैली, कल्चरल प्रोग्राम्स और महफिल मुशायरा के साथ साथ और डीसी साहब बच्चियों से मुसाफा करते हुए उनसे मुतारिफ होते हुए पुंछ, बनवट, चंडक और शहर के पेरीफेरिया में लगते हुए तालीमी इदारों से बच्चियां यहां पर मौजूद जोरदार तालियों के साथ ICDS डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से बेटी बनाया गया है। मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ, पुंछ के बच्चे और बच्चियों के लिए आपको तौर पर बच्चियों की हॉकी को लेकर स्पोर्ट्स 30 ऑफ इंडिया ने एक अहम रोल अदा किया है और बच्चियां हमारी डेली यहां पर स्पोर्ट तारिक खान के गफवार, हालांकि ये मेल गेम है लेकिन का इंतजार तारिक खान साहब और जो इशारा हुआ और दमो खम के साथ ये बच्चियों ने जो हमारा दाई जानिब की टीम थी उन्होंने कौमी सतह के शोरा हजरात का कलाम सुनने को मिलेगा। सबके राय दही को लेकर अपना वोट करें, बेटों से कम नहीं है तो उसका मुजाहरा आज मेल फीमेल का वो फर्क जो है वो शाबाश, दोनों टीमें बड़ी जोरदार और पूरे दाई जानिब की टीम और विफल हो गई, ऐसा हमें प्रतीत हुआ है कि जो दाएं जानिब हमारी वो फेस्टिवल का इनका किया जाएगा और जो राउंड है हमें तशरीफ लाए हैं और जिला इंतजामिया जिसको एहसान बख्शेगी इस टीम के तहत चलने वाले प्रोग्रामों में और खूबसूरती के साथ विफल हो गई। पांचवा राउंड और आप भी उस मकाम पर पहुंचने कीजिएगा जहां पर आज सकलन तारीख है। शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब का ये प्रोडक्ट है जिसके चेयरमैन है जनाब तारिक खान साहब, जिनका अपने फराइज मनसबी और अपने डिपार्टमेंट के अलावा पुंछ के अंदर चेयरमैन RET फोरम JNK हमारे दरमियान मौजूद स्वीप की टीम और देर कासिम मलिक साहब कोऑर्डिनेटर, नजम जाफरी साहब कोऑर्डिनेटर और सब तशरीफ लाइएगा, कासिम मलिक साहब तशरीफ लाइएगा आप भी, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ जनाब कासिम मलिक साहब स्वीप टीम के कोऑर्डिनेटर और जनाब नजम जाफरी साहब, ये दोनों हजार से मेरी गुजारिश क्योंकि इस वक्त हमारे सामने एक जंग है, एक जहाद है इलेक्शन को लेकर के हमने बेदार कर काफी सारी बच्चियां जो जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अगर आप पिछले ओलंपिक के लिहाज से भी देखेंगे तो ज्यादातर हमारे जो मेडल्स आए वो हमारे जो लेडी स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने वो हमारे लिए मेडल जीत करवाई। तो हमारा कुंज में एक बहुत अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का, तो आपने भी कल्चर को आगे बढ़ाना है। पिछले कुछ दिनों पहले ही हमारी एक कुंज से एक बच्ची जो कि अंडर 19 जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट टीम में भी सेलेक्ट हुई, तो आपने उसी टाइप से आपने भी आगे बढ़ना है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो भी आपका पसंदीदा हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कोई और स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, आपने हॉकी हो या फिर हमारे कुछ में हॉकी का भी एक बहुत अच्छा कल्चर है, बच्चियों की भी हॉकी यहाँ पर बाकायदा तौर पर खेली जाती है, तो आपने उसमें आगे बढ़ना है और अपने स्टेट को, अपने मुल्क को, अपने डिस्ट्रिक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमारे अभी तक और भी हमारे इंटरनेशनल लेवल के का एक वॉलीबॉल प्लेयर भी आज के डेट में हमारे पहुंचते हैं, तो आपने उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों ने भी उसी टाइप से परफॉर्म करते हुए इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है और इस सबके लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पहुंचे हमारा बच्चियां भी जो उसी लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट करेंगी, बस आपको एक मौके की दरकार थी और वो मौका हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो मौका जो है प्राप्त किया जाए। हमारे जो है
डिपार्टमेंट की तरफ से आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जो जो बच्चियां हैं उनको उनके लिए एक एथलेटिक मीट का पिछले काफ़ी समय से चल रहे हैं, जिसका मेन मकसद है जेंडर सेंसिटाइजेशन, किस तरीके से ज़्यादा बच्चियों को डिफरेंट फील्ड में उनको जो है आगे पढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारी जो किसी भी फील्ड में हो उनको हम ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। तो उसी के तहत ये भी एक प्रोग्राम था और उसमें आज यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं उसमें से रस्साकशी वगैरह, इसके अलावा भी जो दूसरे गेम्स हैं वॉलीबॉल वो भी उनका भी यहाँ पर आयोजन किया गया। और हमारी हमारे जो पुंछ में जो भी काफ़ी टैलेंट है गेम्स को लेकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वो आगे बढ़ सके और अपने अपने हुनर का जो है अपने हुनर से अपने पुंछ का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने कंट्री का नाम रोशन कर सकें।